Hi guys, welcome or welcome back to my channel Sunshine. It's me Sania here. I hope you all are safe and doing great. So today I'm sharing with you all this eye makeup look. And ये जो आज का मेरा eye makeup look है ये बहुत ज़्यादा special है क्योंकि इस eye makeup look को मैंने create किया with the help of my finger. I don't use any brushes or any tools. तो इस आई मेकअप लुक को मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए क्रिएट किया है जिनके पास कोई ब्रशेस कुछ नहीं है. मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्रशेस नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, बट वो एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हैं. तो कैसे आप फिंगर की हेल्प से एक परफेक्ट कंट्रीज आई मेकअप लुक क्रिएट करोगे? एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल है. तो अगर आप बिगनर्स भी हो तो भी आप बहुत इजीली इस आई मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो. तो सारी चीज़ों को देखने के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू प्राइम माई आई लिड्स. सो फॉर दैट मैंने यूज किया दिस ट्विस्ट ब्यूटी लिक्विड कंसीलर. सिंपली मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, देन मैं फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ. बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है एंड इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी मिलती है. बट अगर आपके पास कोई भी कंसीलर नहीं है तो आप उसकी जगह पे किसी भी बीबी या सीसी क्रीम को यूज़ कर सकते हो. वो भी बहुत अच्छे से आपके आई लिड्स को शाइन कर देगा एंड कोई भी रेडनेस या फिर डार्क सर्कल्स वगैरह होंगे तो उसे भी हाइड करने में हेल्प करेगा. देन मैं कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ सेलो टेप. थोड़ा सा मैं सेफ प्ले करना चाहती हूँ इसलिए फर्स्टली आई एम पिकिंग दिस कोरल शेड फ्रॉम स्वीट ब्यूटी अल्टीमेट आई शेडो पैलेट एज अ ट्रांजिशन शेड. तो सिंपली मैं पहले अप्लाई कर रही हूँ, देन मैं ब्लेंड कर रही हूँ. आपको ध्यान देना है कि आप टू फिंगर्स का यूज़ करोगे, एक फिंगर से आप अप्लाई करना एंड सेकेंड फिंगर से आप ब्लेंड करोगे. देन मैं सेम आई शेडो पैलेट से पिक कर रही हूँ दिस पिंक काइंड ऑफ शेड एंड इसे मैं टॉप अप कर रही हूँ अपने पहले वाले शेड के अबव. थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, जो आपका पहले वाला शेड है वो फेड नहीं होना चाहिए एंड ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से आपको करनी है. चाहे आप फिंगर यूज़ करते हो या फिर ब्रश यूज़ करते हो, आपको ब्लेंडिंग का हमेशा ध्यान देना होता है. सो कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए मैंने यूज़ किया एक स्पून का एंड उस पर मैंने थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर लिया है. देन मैं उसे प्लेस कर ले रही हूँ अपने क्रीज लाइन एरिया पे. बहुत ईजिली आपका कट क्रीज ड्रॉ हो जाएगा एंड अगर आपके पास कंसीलर हो तो आप उसमें जो एप्लीकेटर आता है उसकी हेल्प से भी कट क्रीज ड्रॉ कर सकते हो. बट मैंने उन लोगों के लिए बताया जिनके पास कंसीलर नहीं हो या फिर कोई भी ब्रश नहीं हो, तो आप इस वाले हैक के थ्रू जा सकते हो. सिंपली आप फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करोगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन आपका कट क्रीज ड्रॉ हो जाएगा. सो नेक्स्ट आई एम पिकिंग दिस पर्पल शेड फ्रॉम हिलेरी रोडा आई शेडो पैलेट एंड इस शेड को मैं प्लेस करूंगी अपने आउटर वी सेक्शन एंड इनर वी सेक्शन पे. आप हमेशा ट्राई करना कि जब भी आप एक डार्क या फिर ब्राइट शेड के साथ प्ले करते हो तो ब्लेंडिंग इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको करनी होती है एंड आप ट्राई करना कि जो ट्रांजिशन शेड है उसे ज़रूर कनेक्ट करने का, वरना एक खास लाइन रह जाएगा. तो जो बीच वाला हिस्सा है उसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ एक हेलो आई मेकअप लुक. तो उसमें आपका जो बीच वाला हिस्सा वो ब्लैंक रहेगा अभी. सो नेक्स्ट आई एम पिकिंग दिस येलो शेड फ्रॉम सेम आई शेडो पैलेट. सो इस शेड को मैं प्लेस करूँगी अपने सेंटर ऑफ द आईलिड पे एंड उसके बाद मैं ब्लेंड करते हुए कनेक्ट कर लूँगी अपने पर्पल वाले शेड के साथ ताकि सब कुछ हमारा ब्लेंडेड दिख पाए. एंड उसके बाद मैंने पिक किया सेम आई शेडो पैलेट से एक गोल्डन शेड में शिमर. फिर से मैं टॉप अप कर ले रही हूँ अपने येलो वाले शेड के साथ एंड फिर मैं सारे शेड को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कुछ भी हार्श एजेस नहीं रहे हमारा. तो नेक्स्ट हम रिमूव कर लेंगे अपने सेलो टेप को एंड उसके बाद आप देखना कि आपके कॉर्नर बहुत ही क्लीन एंड शार्प होंगे. तो उसके बाद हम प्लेस कर लेंगे अपने लोअर लैश लाइन पे शेड. तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा अपने पिंकी फिंगर को. तो पहले मैंने कोरल शेड को अप्लाई किया है, देन मैंने टॉप अप किया उसके ऊपर पर्पल शेड को. सो नेक्स्ट वी नीड टू ड्रॉ लाइनर. सो फॉर द लाइनर मैंने यूज़ किया लैक्मे इंस्टा लाइनर. तो मैं आज एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एंड आप ज़रूर कनेक्ट करना अपने इनर वी सेक्शन से लाइनर को एंड वहाँ पे आप एक स्मॉल सा वी भी ड्रॉ कर सकते हो. इससे और ज़्यादा अच्छा आपका आई लुक आएगा. बट अगर आप चाहो तो एक थिन विंग लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो इस आई लुक के साथ. देन हम कोट कर लेंगे अपने अपर एंड लोअर लैश लाइन को विथ द हेल्प ऑफ मस्कारा. फॉल्सेस मैं ऑफ कैमरा ही वेयर कर लूँगी एंड इसके बाद मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने इनर वी सेक्शन एंड ब्राउ बोन को विथ गोल्डन शिमरी शेड.
सो हमारा आई मेकअप लुक कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा टर्न आउट हुआ है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सो अब आप बहुत इजीली अपने फिंगर की हेल्प से एक परफेक्ट एक्ट्रेस आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। सो आपके पास ब्रशेज नहीं है, कोई भी मेकअप के टूल्स नहीं है, अब आप लोगों को वरीड होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने फिंगर की हेल्प से बहुत ही ब्यूटिफुल सा आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये अभी आपको जैसा भी दिख रहा है वीडियो में, ये इससे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है रियल में, क्योंकि मेरे फ़ोन के कैमरा की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। बट जब भी आप इस टाइप के आई मेकअप लुक को क्रिएट करोगे रियल में, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, आपके लुक को और ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस कर देगा। तो अगर आप लोगों को ये आई मेकअप लुक अच्छा लगा हो, वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी हर अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।